मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अब इस वक्त हो रहा है, मुझे नहीं लगता। मैं बड़ा साफ साफ कहता हूँ, डर गया हूँ मैं। सब कुछ बहुत अच्छा हमारे देश में। गॉड ब्लेस इंडिया, लॉन्ग लिव अस, लॉन्ग लव अस इंडियंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बेवकूफ इंसान अभी भी होंगे, कहेंगे कि फिल्म रिलीज हो रही है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें साफ तौर पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। बावजूद इसके उन कलाकारों का किसी भी तरीके से विरोध नहीं होता है और ना ही उन्हें आर्थिक रूप से किसी तरह का कोई नुकसान होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश के नागरिकों ने ये ठान लिया है कि अब किसी भी तरह से हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों को भारतीय नागरिकों ने बायकॉट किया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी कलाकार किसी विशेष धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा, अपमान करने की कोशिश करेगा, हम उनकी फिल्मों को देखने थिएटर में नहीं जाएंगे। जिसका खामियाजा अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भुगतना पड़ा और 180 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने महज 50 से 60 करोड़ में ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद सिनेमा जगत के कुछ सितारों ने बायकॉट करने वालों का मजाक बनाया, जिसमें अर्जुन कपूर और साथ ही साथ तापसी पन्नू का नाम शामिल है। तापसी पन्नू ने कहा कि अगर हिम्मत है तो बायकॉट करने वाले हमारी फिल्म का बायकॉट करें। जिसके बाद तापसी पन्नू की नई फिल्म दोबारा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर लोग अभी से ही शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर के बायकॉट ट्रेंड कर रहे हैं। इस बायकॉट के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ शाहरुख खान की फिल्मों का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान ने साल 2015 में एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर के उनकी खूब आलोचना हुई थी। शाहरुख खान ने कहा था कि भारत में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, जिसके बाद हिंदुवादी छवि रखने वाले लोग शाहरुख खान का जबरदस्त विरोध करने पर उतर आए थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी उन्हीं बयानों में से एक है। हालांकि उस वक्त योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम नहीं थे, बल्कि वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर के सांसद थे। हालांकि शाहरुख खान ने अपना विरोध होता देख अपने इस बयान पर माफी भी मांग ली थी और उन्होंने कहा, मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। ऐसे में अब लोग शाहरुख खान को उन्हीं दिनों की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ध्यान रखना, लाल सिंह चड्ढा के बाद अब पठान की बारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान की माफी मांगने के बाद भी उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना सही है या गलत? आप क्या करेंगे? अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।